Hey, hi, hello everyone, Asa Chauhan this side, and today we have a guest on our channel from IIT Kanpur. He is in his final year and currently working on his startup. He also had a YouTube channel. So today we are going to discuss about his experiences and learning at IIT Kanpur. And at the last, we have a fun rapid round type. So be with us till the end. Let's begin. पैरामीटर सेट है कि भाई अच्छे मार्क्स आए तो मैथ दिला दो, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कॉमर्स दिला दो या बायो। कॉलेज में आने के बाद ऑलमोस्ट हर बंदा बंदी हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है अपने लाइफ में, स्पेशली आई आई टी, दैट कि यहाँ पे जो लोग होते हैं दे आर डेफिनेटली हार्ड वर्किंग। गुरु नायक हु वर्कड एट नासा एंड नाउ वर्किंग इन अमेज़न इन सिलिकॉन वैली, राइट? फिर तो नेक्स्ट वाला बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या। एनी गर्लफ्रेंड एट आईआईटी? So at the end, a tip for all college students. So hello, most welcome to the channel. So what are you doing nowadays? Right now? Yeah. I'm building a startup. That's okay. All I can say. थोड़ा startup के बारे में थोड़ा और detail में. Okay, so. My startup is basically an edtech one, so we are building a platform to enable college students and aspirants, I mean to bridge the gap between them. So the problem is ki right now, jo let's say JK aspirants hote hain, they want something, okay, they want some guidance wagera ya something, but wo after paisa pay karne ke baad, you know, jo बंदा होता है या फिर बंदी होती है फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, वो क्या उसको वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं या क्वालिटी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बच्चे का पैसे का नुकसान ना हो या फिर बच्चा मे बी ज़्यादा डिमांड करने लगे, जितना पे किया उससे ज़्यादा ओवर यूज़ ना करने लगे। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व दिस इशूज। सो या दैट्स व्हाट आवर स्टार्टअप इज ऑल अबाउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं व्यूअर्स को। कूल। सो या माई नेम इज़ पीयूष पटेल एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी कानपुर। फाइनल ईयर से मेरा मतलब है कि मेरा 4 साल हो चुका है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी कानपुर से, एंड दिस इज़ माई 5th ईयर एट आईआईटी कानपुर एंड माई फाइनल ईयर मास्टर्स का भी, या इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो आपने सुना होगा कि हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, राइट? सो एक स्टूडेंट जब आईआईटी में एंटर करता है तो उसके माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो एक्चुअल में कैसे चेंज हो जाता है? सो द फर्स्ट थिंग इज कि सी आई मीन मैं अज्यूम करूँगा कि इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, हम उस हिसाब से बात करते हैं। तो हॉस्टल में रह रहे हो एंड द थिंग इज कि बिफोर दैट 12th तक या ड्रॉप भी लिया है डजंट मैटर, बट बिफोर कॉलेज लाइफ ऑलवेज योर पेरेंट्स वर देयर टू गाइड यू, है ना। देर वॉज अ सेट फॉर्मेट कि ओके बेटा या बेटी यू नो डू दिस टू डैट, 9th पे पहुँचो, 10th में आए, टेक साइंस और कॉमर्स, वहाँ भी हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, या फिर एक सर्टन पैरामीटर सेट है कि भाई अच्छे मार्क्स आए तो मैथ दिला दो, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कॉमर्स दिला दो या बायो दिला दो, आई मीन जो भी सेग्रीगेशन सोसाइटी ने रखा है। सो वहाँ भी एक टेम्पलेट सेट है, आरटी 2 या 3 ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए। कॉलेज में 11th 12th में आए, यू हैव कोचिंग्स जो टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि ओके डू दीज लेक्चर्स वगैरह वगैरह, बुक्स कर लो। सो एवरीथिंग विच यू एनकाउंटर टिल 12th इज टोटली टेम्पलेट बेस्ड, ठीक है। सब कुछ क्लियर है कि ये चीज़ किया तो ये हो जाएगा, बट वंस यू एंटर अ कॉलेज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि आई मीन यू वी फील कन्फ्यूज्ड। हमारा माइंड एक मैं बोलूँगा स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट का माइंड इस तरह से ट्रेंड ही नहीं होता कि वो नॉन लीनियर वे में सोच पाए। 12th एवरीथिंग वॉज लीनियर, अब उसको नॉन लीनियरिटी दिखती है, ओके दिस ब्रांच यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, ये दोनों ब्रांच मर्ज होती हैं, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी लाई करती है, आई कैन डू दिस डू दैट, कन्फ्यूज्ड। सो ये एक सबसे बड़ा मैं बोलूँगा चेंज होता है माइंड सेट में कि कॉलेज में आने के बाद ऑलमोस्ट हर बंदा बंदी हर स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है अपने लाइफ में, दे डोंट नो वॉट टू डू। सो ये एक सबसे बड़ा आई मीन चेंज होता है। बाकी नेक्स्ट 4 साल यही
बेसिकली इसको मैनेज करने में निकल जाते हैं कि ओके हाउ टू एनकाउंटर दिस हाउ टू एनकाउंटर दैट. 4 साल खत्म हो जाता है, कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता. पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज. लोग जाते हैं एमबीए करते हैं, दे गो फॉर अ जॉब, दे आर स्टिल कन्फ्यूज, दे गो फॉर अ सेकेंड एमबीए. ठीक है, आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर सेकेंड एमबीए, पहले मैनेजमेंट से किया, मार्केटिंग से कर रहे हैं, आई मीन समथिंग लाइक दैट. सो दीज ऑल थिंग्स दे कीप ऑन हैपनिंग, है ना. ओके, सो आईआईटी में एंट्री से लेकर फेयरवेल तक आपके काफ़ी सारे बॉन्ड्स बने होंगे, राइट. सो कैसा लगता है जब कॉलेज फ्रेंड को फेयरवेल के टाइम पे गुड बाय बोलना पड़ता है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कुछ इयर्स हैं कॉलेज लाइफ के, इसमें आपकी लाइफ में उन लोगों ने क्या वैल्यू एडिशन किए, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, सो फर्स्ट थिंग कि अनफॉर्चुनेटली हमारा फेयरवेल हुआ ही नहीं. तो हम तो कोरोना के मारे थे, थर्ड ईयर के फाइनल सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में हम लोग घर पे आ गए थे, आधा ही हुआ था वो भी. फिर उसके बाद कॉलेज खुला, आई मीन बंद रहा एक साल, फिर खुला 2 महीने के लिए, फिर वापस बंद हो गया. हमारा फेयरवेल वाला कुछ हुआ तो ठीक है, नथिंग. आई मीन जो एक होना चाहिए, गुड बाय मिलना चाहिए या मेमोरीज बननी चाहिए फाइनल ईयर में, वो तो नहीं बन पाई, बट स्टिल आई मीन वी आर स्टिल इन टच. और इसके ऊपर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं बहुत ज़्यादा, तो आई विल अवॉइड, है ना. बट योर सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट कि इन लोगों ने, आई मीन माई स्टूडेंट, माई फ्रेंड्स, इन लोगों ने मेरे अंदर कितनी वैल्यू ऐड की, ठीक है, या एक फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल के कैरियर में या फिर माइंड सेट चेंज करने में या वे ऑफ लिविंग. या एग्जैक्टली. सो मैं यही बोलूँगा कि बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली में, ठीक है. आई मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल यू नो, है ना. सो जैसा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा वैसे ही बनोगे, ठीक है. एंड द थिंग विथ स्पेशली आईआईटीज इज दैट कि यहाँ पे जो लोग होते हैं दे आर डेफिनेटली हार्ड वर्किंग. तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता कि आई मीन विदाउट हार्ड वर्क कोई आईआईटी में नहीं आया. एग्जैक्टली. सो एवरी वन इज हार्ड वर्किंग. द थिंग इज डिपेंड्स कि कौन कितना हार्ड वर्क कंटिन्यू कर पाता है, ठीक है. और कुछ लोग आने के बाद लेजी हो जाते हैं आईआईटी वगैरह में, बट स्टिल मोर देन 95% मैं बोलूँगा स्टिल वो हार्ड वर्किंग होते हैं. उनका हार्ड वर्क मे बी अकेडमिक्स में ना दिखे, बट इन अदर फील्ड्स या सेक्टर्स, टेक में, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई मीन वेरियस थिंग्स होते हैं उसमें दिखे, ठीक है. बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाएँ, सो एवरी वन इज हार्ड वर्किंग इन देयर फील्ड, इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो फर्स्ट थिंग यार यही होता है कि मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं देखा है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे आईआईटी में जो कि हार्ड वर्किंग ना हो. एंड एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट मेरे ऊपर यही पड़ा कि मेरे सारे दोस्त देवर डूइंग समथिंग और अदर, कोई माइक्रोसॉफ्ट में, आई मीन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप लगा रहा है, कोई फॉरेन में इंटर्नशिप लगा रहा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, कोई रिसर्च इंटर्नशिप लगा रहा है, कोई कॉम्पिटिशन जीत रहा है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. सो इसका ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि एवरी वन इज़ हार्ड वर्किंग, यू नो, नेचुरली अंदर से एक आती है इच्छा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा. सो एक वो तो पुश होता है, वो फ्रेंड सर्कल अपना आप प्रोवाइड करता है वो पुश, ठीक है, टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. सेकंड थिंग कि सबसे बड़ा चीज़ ये कि सी जो लोग थे मेरे अगल बगल उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला था. आई मीन मैंने ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 50-50 रहा होगा ये चीज़ कि ऑलमोस्ट सबके दिमाग में ये था कहीं ना कहीं कि लेट्स गो फॉर अ जॉब, लेट्स डू अ जॉब, अर्न सम मनी एंड लेट्स स्टार्ट आवर ओन फर्म, या फिर स्टार्टअप में काम करना है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है. आई मीन नोबडी वॉन्ट्स टू स्टक बी इन अ एग्जीक्यूटिव पोजिशन या समथिंग. या एग्जैक्टली, सबका यही एम था कि 2-3 साल काम कर लिया फिर मुझे खुद का कुछ करना है, ठीक है. एंड आई हैव सीन मैनी पीपल, आई मीन मेरे एलुमनाइज को मैं जानता हूँ जो कि जॉब छोड़ छोड़ 3-4 साल बाद वापस आए हैं, स्टार्टअप्स वगैरह में काम किया है. आई मीन वंस यू हैव द मनी, वंस यू प्रूव द वर्ल्ड कि ओके यू कैन अर्न लेट से यू नो 1-2 लाख पर मंथ, एंड मतलब एक होता है ना सोसाइटी में पेरेंट्स को प्रूव करना होता है वगैरह चीज़ें. सो आफ्टर दैट यू नो लोग आते हैं वापस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सो ये ग्रोथ माइंड सेट कि नहीं मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, सो इसी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, योर माइंड सेट चेंजेस, क्योंकि मैं जॉब के लिए तो नहीं बनाऊँ. सो ये मेरे तरफ से आई वुड से कि ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स हैं या चेंजेस हैं जो मेरे माइंडसेट में आए फ्रॉम क्लास 12 टू फाइनल ईयर ऑफ बीटेक. ओके, सो आपका एक पॉडकास्ट है विद आईआईटी कानपुर एलुमनाई गुरु नायक,
who worked at NASA and now working in Amazon in Silicon Valley, right? So अगर मैं आपसे बोलूं कि उनकी लाइफ से कुछ ऐसे इंस्पायरिंग पॉइंट शॉर्ट आउट करने के लिए जो आपको लगता हो कि हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, तो आप कौन से पॉइंट्स सजेस्ट करेंगे हमको? ओके, सी आई मीन आई डोंट नो हिम वेरी मच, ठीक है, पर्सनली कि मैं उनके लाइफ से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, सो बट बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन आई हैड कुछ चीज़ें तो मुझे डेफिनेटली दिखती हैं विच आई कैन लर्न फ्रॉम हिम. फर्स्ट थिंग वॉज कि ही इज़ वेरी फोकस्ड इन वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आई मीन सी सिंपली है कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ पी एच डी, ही डिड डिग्री पी एच डी फ्रॉम यू नो अमेरिकन यूनिवर्सिटी. सो इफ यू वॉन्ट टू डू अ पी एच डी द सिंपल आइडिया इज कि यू पिक अ प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग इनफ टू मोटिवेट यू टू बी एबल टू वर्क फॉर आई मीन फाइव ईयर्स इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन. सिंपल सा ये प्रॉब्लम, ये चीज़ होता है पी एच डी में. सो अगर फोकस नहीं है ना, अगर आई मीन यू सी अ प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व इट बट प्रॉब्लम लेट्स से बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड यू स्विच आई विल डू दिस, अरे ये भी कॉम्प्लेक्स है आई विल डू थर्ड थिंग. आई मीन इफ यू कीप स्विचिंग योर गोल्स योर यू नो टारगेट, सो कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे. सो ही वॉज वेरी फोकस्ड. सो आई वुड से कि यार यू नो फाइंड अ सिंगल एम, मैंने उनसे यही सीखा कि फाइंड अ सिंगल एम, वर्क हार्ड टिल यू अचीव इट. सो ये सबसे बड़ी लर्निंग थी जो मैंने उस एक घंटे के उसमें निकाला है या पॉडकास्ट में निकाला है. ओके, सो अगर आपके कॉलेज में मतलब आपने अपने फ्रेंड्स आपके व्लॉग्स देखे हमने, तो आप काफ़ी फन करते अपने फ्रेंड्स के साथ, सो ऐसे अगर मेमोरेबल मोमेंट्स शेयर करने के लिए बोले तो कुछ हाई पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा लगता हो कि हाँ ये सबसे ज़्यादा फन पॉइंट था हमारे लिए कॉलेज में. ओके, देर आर सम पॉइंट्स विच आई वुड से कि जब भी मैं कॉलेज लाइफ का नाम लेता हूँ तो तुरंत एकदम दिमाग में घूमने लगते हैं. ज़्यादातर ऐसी मेमोरीज हैं जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हूँ बाहर जाके, इन बॉम्बे यू नो रुड़की या अमृतसर आई मीन चंडीगढ़ वगैरह जगहों पे. द थिंग इज़ कि वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग जाते थे, हमें एक ओपोनेंट दिखता था, ठीक है. कॉम्पिटिशन का ये सबसे बड़ा पार्ट है कि एक तो माइंडसेट ऐसा है कि भाई जेई क्वालिफाई करके आए हैं तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा नाता सा बन जाता है, अच्छा लगने लगता है कॉम्पिटिशन. तो यू नो वहाँ पे गए, बॉम्बे गए हम लोग टीम के साथ, इट वॉज इंटर आई आई टी बेसिकली. सो सारे इंडिया में जितने आई आई टीज हैं 23 IITs एक्सेप्ट आई आई टी दिल्ली, सारे आते हैं वहाँ पे और पार्टिसिपेट करते हैं इन वेरियस कॉम्पिटिशन वगैरह. सो वी पार्टिसिपेटेड, हमारी टीम है, 24 घंटे 48 का टाइम फ्रेम मिला, विदाउट स्लीपिंग यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम, फाइंड अ सोल्यूशन, आफ्टर 24 आवर्स यू कैन स्लीप एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक है. खाने के लिए रात को पिज्ज़ा मिल रहा है और हम लोग दिमाग खराब है बट किए पड़े हैं काम, किए पड़े हैं. सो ये जो मेमोरीज होती है ना कि हमें बीट करना है सामने वाली टीम को, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करो, सोल्यूशन निकालो, और फिर जो यूफोरिया होता है कि यू वॉन्ट समथिंग दैट इज़ ऑन अनदर लेवल. सो वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल टाइम्स है मेरे लिए, मैं बोलूँगा चाहे बॉम्बे हो चाहे रुड़की हो. ओके, सो अब हम एक रैपिड राउंड खेलेंगे, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस करूँगी और आपको रैपिडली उसका आंसर देना, मतलब एकदम से. श्योर श्योर श्योर. ओके, सो फर्स्ट वन, योर इंस्पिरेशन. माई इंस्पिरेशन आई वुड से कि माई पेरेंट्स. आई मीन इंस्पिरेशन इन वॉट, लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो, मैं आई टी जी का बता रहा हूँ. अच्छा, ओके, इंस्पिरेशन फॉर लाइफ पर्पस. अच्छा, लाइफ पर्पस के लिए आई मीन आई डोंट हैव एनी सच इंस्पिरेशन, लेकिन रतन टाटा है, आई रियली लाइक हिज वर्क, आइडियोलॉजी को उनकी फॉलो करता हूँ काफ़ी. अच्छा, ओके, सो एंड लाइफ पर्पस. I want to leave something behind, है ना, जो कि लोगों का भला करे, सोसाइटी के काम है. सोसाइटी के काम है. ओके, एनी फैंटेसी रिलेटेड टू जॉब और वर्क. फैंटेसी जॉब और वर्क, आई मीन आई डोंट, मेरे दिमाग में जॉब घूमता नहीं है. हाँ, इफ यू टॉक अबाउट वर्क, सो यही है, एक बड़ा सा ऑफिस हो, एक कैबिन हो खुद का, एंड पीछे
ग्लास पेंस हो ओके ये थोड़ा सा है कि अच्छा एनवायरनमेंट रहे काम करने के लिए तो मजा आएगा ओके योर बेस्ट फ्रेंड नेम बेस्ट फ्रेंड ये तो ऑनलाइन ही बोलना चाहिए ना जस्ट ठीक फिर तो नेक्स्ट वाला आप बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या एनी गर्लफ्रेंड एट आईआईटी वो तो डेफिनेटली नहीं है आईआईटी क्या कहीं भी नहीं है अच्छा ओके सो एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट एट आईआईटी कुछ ऐसा हुआ हो इट वाज एम्बैरेसिंग व्हाई वुड आई टेल बट स्टिल आई डोंट थिंक देयर वाज एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट हाँ एम्बैरेसिंग तो कुछ नहीं था एवरीथिंग इज जस्ट एक्सपीरियंस हाँ सैड मोमेंट्स थे एंड शॉकिंग मोमेंट्स थे बट ऐसा कोई एम्बैरेसिंग आई डोंट थिंक नहीं था ओके सो एट द एंड अ टिप फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स यही है कि जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग आई मीन डोंट सेटल दिस फोर ईयर्स वुड बी योर बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ है ना आई मीन किसी भी कॉलेज से हो बट दैट वुड बी योर बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ सो जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग don't settle you know just don't just waste all your time preparing for a job interview or a building a resume I mean enjoy karo process mein hai na at the end resume bhi ban jata hai job bhi lag jati hai everything ho jata hai but don't destroy your you know ki bhai bas job chahiye to main coding karunga aur kuch karna hi nahi hai wagera cheeze so don't do that okay. ye mera ek session thank you so much for coming for accepting my invitation Yeah, I like talking to you. I mean, okay, thank you. Okay. Thanks for watching. Hope you all enjoyed this video. So like, subscribe, and share with your friends. And see you in the next video. Till then, tada, bye bye.